चरित्रहीन औरत किसी नागिन से कम नहीं होती। वो इंसान को न सिर्फ रोता तड़पता हुआ छोड़ती है, बल्कि उस पर वार करके दूसरी बार उठने के काबिल भी नहीं छोड़ती। रात का वो पहर मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं अपने कमरे से उसके एक इशारे पर निकला था। उसका नाजुक कोमल सा हाथ, उसने मुझे हाथ के इशारे से बुलाकर बाहर आने को कहा था। मैं बेचैन सा होकर उठ गया था। औरत की मामूली सी बात में भी इतनी ताकत होती है कि मेरे जैसा कमजोर दिल का मर्द भी कहाँ रुक सकता था। मैं तो उसे बहुत बड़ा दर्जा देता था, मेरे लिए वो किसी देवी से कम नहीं थी। मैं उठा, आसपास देखा, बाकी सब लड़के सो रहे थे। इस कमरे में हम तीन लोग होते थे। ये कमरा ऊंची दीवारों पर बना हुआ था। इस कमरे में रहते हुए मुझे एक साल से ज्यादा गुजर चुका था। अब मैं यहाँ पर अपनी नौकरी को लेकर बहुत सुकून से था, पर मैं नहीं जानता था कि मालकिन का एक बार मुझे अपनी जिंदगी में बहुत पीछे ले जाएगा। मैं उसके हाथ के इशारे से बाहर आया था, बल्कि शायद मैं भी उसका इंतजार ही कर रहा था। ये चांदनी रात थी जब अपने कमरे की खिड़की से मैंने बाहर उसके हाथ को हवा में लहराते हुए देखा था। उसे उम्मीद नहीं होगी कि मैं इतनी जल्दी उठकर बाहर आ जाऊंगा या उसके इशारे का जवाब दूंगा, पर मैं फौरन ही कमरे से उठकर बाहर आ गया। मैंने देखा कि वो सफ़ेद रंग के लिबास में तैयार खड़ी थी। उसके बाल उसके कांधों को छू रहे थे। तेज लिपस्टिक लगाकर उसने एक काले रंग का बैग अपने कंधे से लटकाया हुआ था। मैं उसे देखता जा रहा था, मेरी नज़रें उसके बदन पर फिसल रही थी। इस वक्त कहाँ जाना है, मैंने अटकते हुए पूछा। ज़्यादा सवाल मत करो, तुम मुझसे इस काम के पैसे लेते हो, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। उसने ये कहकर मुझे मेरे हाथ से पकड़ा और ले जाने लगी। मैं जैसे हवा में सर्द हो चुका था। मुझे लगता था कि अब मैं इंसान नहीं रहा, बल्कि एक पुतला बन गया हूँ। उसके हाथ से जैसे मेरे अंदर एक बिजली सी दौड़ गई थी और अगले ही लम्हे में बर्फ की तरह बन गया था। मुझे बिल्कुल भी अपने आप पर नियंत्रण महसूस नहीं हो रहा था। लगता था बस वो मुझे किसी चाबी वाले खिलौने की तरह चला रही है और मैं चला जा रहा हूँ। मैंने आंखें बंद कर ली थी। मैं उसके साथ चल पड़ा। बड़े गेट पर बहुत ज्यादा खामोशी होती थी। सामने मेन दरवाजा था। मैंने दरवाजा नंबर 3, जिसकी चाबी हमेशा मेरे पास होती थी। मालकिन ने मिन्नत भरी निगाह से मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन ही अपनी जेब से वो चाबियां निकाली, ताले को हल्का सा सरकाया और दरवाजे को खोल दिया। हम दोनों आसानी से उस दरवाजे से बाहर निकल चुके थे। लगता था जैसे वो फरार होने जा रही है। उसने थोड़ी देर आराम आराम से मुझे चलने का इशारा किया कि कहीं कोई आवाज पैदा ना हो जाए। चलते चलते हम लोग उस बड़ी बिल्डिंग की पार्किंग में आ गए। पार्किंग से आगे हमें 2-4 गाड़ियां दिखाई दी। उनमें से एक गाड़ी को रोककर वो उस कार में बैठ गई। मैं सामने ड्राइवर के साथ बैठ गया। कहाँ जाना है, ड्राइवर ने पूछा। उसने फौरन ही करीब में मौजूद कैफे का नाम लिया। उसने बगैर कुछ पूछे गाड़ी उधर घुमाना शुरू कर दी, पर जैसे ही वो फासला तय हुआ आगे जाकर ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि 3-4 गाड़ियां लाइन में लगी खड़ी थी, जिन्हें देखकर मेरा खून सूख चुका था। ये तो मालिक की गाड़ियां हैं। मैं जान चुका था कि आज मैं बचकर नहीं जा सकूंगा। अब मेरे साथ वो होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे मालिक ने रोक लिया और आगे मालिक की ही 4 गाड़ियां खड़ी थी। मालिक अपनी उस गाड़ी में अपनी पत्नी को देखकर बहुत हैरान हुआ। तुम इस वक्त इसको कहाँ ले जा रहे हो, मालिक ने मुझसे ये पूछा तो उसकी पत्नी मेरी तरफ देखकर बोली। मैं बस कॉफ़ी पीने जा रही थी। ये सुनकर मालिक ने मुझे गुस्से से देखा और बोला, मेरी इजाज़त के बगैर तुमने इन चाबियों से दरवाज़ा कैसे खोला और यहाँ तक आ गए। तुम तो अब खुद को मालिक समझने लगे हो। तुम्हारा इलाज तो मैं वो करूँगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। मेरे मालिक ने पत्नी का सारा गुस्सा मुझ पर निकाला और मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ से चलो, बहुत बुरा हो जाएगा अगर तुम यहाँ एक मिनट भी रुके। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई हो और सर पर आसमान आ गिरा हो। मैं फौरन ही गाड़ी में बैठा और वापस उस बिल्डिंग तक पहुँचा जहाँ पर मैं रहता था, पर मैं ये नहीं जानता था कि ये मेरी आखिरी सुकून भरी रात होगी। मैं वापस अपने कमरे में आया। मुझे वहाँ लेटे हुए 2 मिनट ही गुजरे थे कि 3 आदमी कमरे में घुस आए। उन्होंने फौरन कमरे में रोशनी जलाई और घसीटते हुए मुझे बाहर ले गए। मेरे बाकी साथी मेरा कसूर पूछते रह गए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे जाकर एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। दिल डर से कांप रहा था।
और मेरे दिल में अपनी मालकिन की तस्वीर आ रही थी, जो हर रात मुझे लेकर कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुकान पर चली जाती। वो मुझे बाहर ही रखती थी, खुद कभी किसी लड़के से मिलती तो कभी किसी लड़की से। मालिक को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ऐसा नहीं कि मालिक इस सब से बिल्कुल बेखबर था, हाँ वो जानता भी था, पर मैं शायद मालकिन की बातों और उसकी खूबसूरत अदाओं में आ गया था। मैंने मालिक को धोखा देने में चंद मिनट की देर भी नहीं लगाई, और यही मेरी गलती थी, जिसकी सजा मुझे मालिक ने ऐसी दी कि मैं आज तक नहीं भुला सका। उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ, दिन नहीं बल्कि रात कहूँगा। उस रात को मैं कभी नहीं भूलता, जब मैं कालकोठरी में किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। मैं कभी इधर देखता, कभी रोशनदान को, तो कभी दरवाजे को, कि दरवाज़ा खुले, कोई आए और मुझसे बात करे। पर काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और मालिक खुद वहाँ आ गए। मालिक का चेहरा गुस्से वाला था और वो बहुत ज़्यादा दहशतनाक लग रहा था। मुझसे कहने लगा कि तेरे नाखून खींच डालूंगा अगर मुझे सच नहीं बताया। वो चाहता था कि मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूं, जबकि मुझे कुछ मालूम नहीं था, सिवाय इसके कि मालकिन अपने दोस्तों से मिलती थी। मेरी चुप्पी ने मालिक को और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। कहा कि तुम एक औरत पर भरोसा करते हो, मेरी तुम्हें कोई परवाह नहीं, तुम मेरा नमक खाते हो, मुझसे ही नमक हरामी करते हो। मालिक ने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, मगर फिर वो मुझे जान से मार भी नहीं सकता था। उसने मजबूरन मुझे एक व्यक्ति के हवाले कर दिया। उस आदमी ने कहा कि तुमने मालिक के घर में जो फसाद डलवाने की कोशिश की है, उसे ही खत्म करने के लिए तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भेजा जाएगा। अमेरिका में काम करते हुए मुझे 2 साल हुए थे, अब मेरी कमाई भी अच्छी होने लगी थी। उस वक्त मुझे किसी और काम की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ यहाँ रहना चाहता था। मुझे उस घर से निकालकर खेतों में काम करने वाले एक मजदूर की हैसियत से कहीं दूर भेज दिया गया, जहाँ मेरा पहला दिन था। मैं बहुत ज़्यादा उदास हुआ, मुझे अपने घर वालों की याद आने लगी। वो दिन याद आने लगा जब मेरी माँ ने किरण के घर मेरा रिश्ता भेजा था। किरण मेरे बचपन की चाहत थी, वो भी मुझे पसंद करती थी, और मैं तो उसके लिए दीवाना था। जब भी मैं किरण के घर जाता, उसके लिए ज़रूर तोहफा लेकर जाता था। माँ भी मेरे जज्बात को भांप चुकी थी। एक दिन माँ मुझसे कहने लगी, बेटा आज तुम किरण के लिए हाँ कर ही दो। मैंने माँ की तरफ चौंक कर देखा तो माँ मुस्कुरा कर बोली, हाँ बेटा, मैं और गोपाल किरण का रिश्ता तुम्हारे लिए मांगने जा रहे हैं। ये सुनकर मेरी तो बाँछें खिल गई। मैंने माँ का माथा चूम लिया, उनका धन्यवाद किया और कहा, माँ अगर आप मेरा रिश्ता किरण से करवा दे, मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूँगा। मेरी माँ ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, गुलाम तो तू उसका बन जाएगा, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर बेटा बात दरअसल ऐसी है कि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी तरह से किरण के सामने उसके लिए परेशानी का कारण बनो। आज हम सब किरण के घर जाएंगे तो तुमने अपने रोजगार और अपने काम का जिक्र जरूर करना है। ऐसा ना हो कि तुम किरण से ये कह दो कि वो रूखी सूखी भी तुम्हारे साथ खाकर रह लेगी। औरत की जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसे मर्द के साथ बच्चों को भी संभालना होता है, वो कभी भी गरीब मर्द से शादी नहीं करती। मैंने माँ की बातें अपने दिल में रख ली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं किरण की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए परदेश जरूर जाऊंगा, और फिर जब उन लोगों ने मेरा रिश्ता स्वीकार किया तो इसी शर्त पर किया कि मैं परदेश पैसा कमाने जरूर जाऊंगा। मैंने माँ से भी वादा किया था कि आप एक बार किरण से मेरा रिश्ता कर दें, उसके बाद मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माँ ने हामी भर ली, वो मेरा रिश्ता लेने के लिए चली गई। किरण के माँ बाबा ने इसी शर्त पर मुझे रिश्ता दे भी दिया कि मैं कुछ महीने बाद ही कमाने के लिए यहाँ से निकल जाऊँगा। जब मैंने ऐसा किया तो माँ को बता दिया। माँ कहने लगी कि अब तुम कमाई करने अमेरिका चले जाओगे तो हम अकेले रह जाएंगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, तुम पत्नी के वफादार हो जाओगे और माँ बाप को भूल जाओगे। मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी और अमेरिका जाने के लिए काम शुरू कर दिया। मेरे ससुराल वाले भी चालाक थे, हालांकि मेरी माँ के ही रिश्तेदार थे, पर उन्होंने ये शर्त रख दी कि जब तक तुम यहाँ से अपना वीज़ा और टिकट का बंदोबस्त नहीं कर लेते तब तक हम रिश्ता नहीं देंगे, और शादी उस वक्त होगी जब तुम परदेश से अच्छा खासा पैसा कमाकर वापस आओगे। मेरा दिल बुझ सा गया था। मैं अमेरिका जाने से पहले मंगनी के बाद शादी की भी सोच रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। माँ बाबा कहने लगे, हमारे पास तो अभी शादी के खर्च उठाने के भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मैं माँ को भला क्या कह सकता था, यहाँ तक कि वो सब सिलसिला चल पड़ा। मैं अपने देश से परदेश आ गया।
और वो लड़की जिसका नाम किरण था उससे मेरी मंगनी हो गई। मैं किरण को बहुत चाहता था, वो मुझे शुरू से ही पसंद थी, लेकिन अब सवाल तो ये था कि क्या किरण भी मुझे पसंद करती है। मैं चाहता था कि किसी तरह किरण से मेरी बात हो जाए, भले ही अभी उसके साथ मेरी मंगनी हुई है, लेकिन अब वो मेरी होने वाली पत्नी तो है, मैं जब चाहूँ उससे बात कर सकता हूँ। वैसे भी हमारे यहाँ तो अपनी होने वाली पति पत्नी से बात करने का रिवाज आम है। जब मैं अमेरिका पहुँच गया, नौकरी के सिलसिले में जिस जगह था वहीं से मैंने किरण को फ़ोन पर कॉल करने का सोचा, लेकिन मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं था, तो मैंने अपनी माँ से बात की। उन्होंने कहा कि मैं कल जाकर उसे चुपके से मोबाइल दे आऊँगा, मैं अब इस मोबाइल फ़ोन का क्या करूँगी, तुम किरण से ही बात करते रहना, तो मेरे लिए यही खुशी की बात होगी। मैं माँ की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन माँ ने वैसा ही किया जैसा कि मुझसे वादा किया था। घर से बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल फ़ोन ले जाकर किरण को दे दिया कि तुम मेरे बेटे से बात कर लो। किरण तो फ़ोन देखकर बहुत खुश हुई। उसने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया, कहने लगी कि तुम तो बड़े ही अमीर हो गए हो और मैं तुम्हारी मोहब्बत का कैसे धन्यवाद करूँ, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा तोहफा दे दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी मंगेतर की खुशी देखकर बहुत खुश था। तभी मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अपनी तस्वीरें जरूर भेजना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इस बात पर किरण का व्यवहार एकदम बदल गया और बोली, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। उसके इस बहाने पर मेरा मुंह बन गया। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या शादी के बाद ही लड़का लड़की एक दूसरे को फोटो दे सकते हैं? बोली कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको फिलहाल अपनी कोई तस्वीर नहीं भेजूंगी। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर मैं खामोश हो गया और मैंने फोन बंद कर दिया। मेरा ख्याल था कि किरण मुझे दोबारा कॉल करेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान था क्योंकि किरण ने जो बात की थी वो मेरे दिमाग में अटक गई थी। क्या किरण मुझे अपने होने वाले हमसफर के तौर पर मानती भी है या नहीं, ये बात मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मैंने बार बार ये बातें सोची थी और मुझे उस सब का एक ही जवाब नजर आता कि मेरी होने वाली पत्नी यानी किरण मुझसे खुश नहीं है। पर ऐसा क्या हुआ जो एक दो दिन में ही उसकी खुशी हवा हो गई, वो जो बात करती थी अब वो भी नहीं करती थी। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने ये बात माँ से पूछी कि माँ, हम दोनों की मंगनी हुई है और हम दोनों एक दूसरे के लिए ज्यादा अनजान भी नहीं है, फिर किरण मेरे साथ कोई बातचीत क्यों नहीं करती, न मुझे मंगेतर वाला स्थान देती है। मेरी माँ भी मुझ पर गुस्सा करने लगी, बोली कि हाँ, किरण ने मुझे बताया था कि तुम उससे तस्वीर मांग रहे थे, वो भी कुछ अजीब तरह की। बेटा, भगवान से डरो, वो देश अंग्रेजों का है, ऐसा ना हो कि हमारे घर की इज्जत नीलाम हो जाए। माँ की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ था। मैंने किरण को मना भी किया था कि वो उनको ये सब बातें ना बताए, पर अब तो किरण ने एक एक बात जाकर मेरी माँ को बता दी थी। मेरी माँ ने जो मेरी बातें सुनी तो उन्होंने पकड़ लिया और बोली कि बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम अपनी पत्नी से ऐसी ऐसी बातें करते हो, जबकि अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। मेरी पत्नी ने मेरी माँ की नज़र में तो अच्छा स्थान बना लिया था, पर माँ के सामने उसने मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी थी। माँ को ये लगने लगा था कि शायद मैं बहुत ही बेसब्र हूँ जो अपनी मंगेतर से गलत तरह की फरमाइश करता हूँ। उस दिन के बाद से मैं किरण से कम बात करने लगा। एक तो मैं उसके इस इल्ज़ाम की वजह से बहुत परेशान था, दूसरा उसकी तस्वीरें ना भेजने की वजह से। खैर, आखिर वो मेरी मंगेतर थी, माँ तो पुराने जमाने की थी, कम से कम उसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने दिल में सोचा। और फिर इसी तरह मेरे दिन गुजरने लगे, यहाँ तक कि किरण ने भी मुझसे बातचीत करना बंद कर दी। मैं इन हालातों में बहुत परेशान हुआ। मैंने ये बात माँ को बताई तो माँ कहने लगी, बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम इन सब चक्करों में किरण को डालकर उससे जल्दी शादी करना चाहते हो, लेकिन अभी ऐसा मुमकिन नहीं है। किरण बच्ची तो हर समय मेरे सामने होती है, अक्सर मोबाइल पर ही लगी होती है, बल्कि बातें भी करती है। भले ही मेरे सामने नहीं, मैं तो खुद उसके सामने तुम्हारा जिक्र नहीं करती क्योंकि वो शर्मा जाती है, लेकिन वो तुमसे बात करती है। अब तुम जानबूझकर उसकी शिकायतें लगा रहे हो ताकि मैं तुम्हारी हिमायत करूं और जल्द ही शादी का तकादा करूं, तुम्हें वहां से बुला लूं और तुम यहीं रहकर काम करने लगो। बस यही कुछ मेरी जिंदगी में चल रहा था। किरण की तरफ से भी मैं बहुत परेशान था, जबकि इधर मालिक वाला भी किस्सा खुल गया था। मालिक ने तो मुझे इस कदर तबाह व बर्बाद करके रख दिया था कि मैं अब उठ फिर कर चलने के काबिल भी नहीं था। भगवान जाने कैसे तरस खाकर उसने मुझे अमेरिका में ही दूसरी जगह भेज दिया, जहां मेरी नई नौकरी लग चुकी थी।
नई नौकरी पर आने के बाद से मुझे किरण की याद सता रही थी। मैं उसे फोन करके सब कुछ बताना चाहता था। कम से कम सब कुछ न सही मैं उसको अपनी बीमारी का तो बताता, पर किरण से बात नहीं हो पा रही थी। एक दिन मैंने माँ से कहा कि आप किरण के कमरे में जाएं और मेरी उससे जरूर बात करवाएं। माँ ने ऐसा ही किया। किरण के कमरे में जाकर फोन रख तो दिया, पर किरण किसी से बात कर रही थी। उसने माँ के हाथ में मौजूद फोन को नहीं देखा और माँ के बाहर जाने का इंतजार करने लगी। माँ के बाहर जाने की देर थी कि मेरी पत्नी फिर से मोबाइल फोन पर शुरू हो गई थी। मैं ये देखकर बहुत परेशान हुआ। मुझे तो ऐसी पत्नी चाहिए थी जो हर वक्त मुझसे मोहब्बत करे, मुझे प्यार से रखे, पर ये तो मुझे ही उल्टा एक अजीब सी उलझन में डाले जा रही थी। मैं चाहता था मेरी इज्जत और कदर हो, पर ऐसा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस दिन मैंने सोचा मुझे अब शायद अपने घर वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी भी तो करनी है। लेकिन उसके साथ साथ मेरा घर बसने से पहले ही उजड़ कर बर्बाद ना हो जाए। अब जाहिर है मेरी होने वाली पत्नी मुझसे बात नहीं कर रही थी। हमारे रिश्ते को 3 साल हो गए थे, ऐसे में उसका मुझसे बात ना करना बड़ा अजीब था। मैंने सोच लिया कि बहुत हो गया, माँ और बाबा के लिए मैंने काफी कमा लिया है, अब मैं भी तो बाप बनने की उम्र में हूँ, मुझे भी तो अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। न जाने क्यों माँ बाप अपनी औलाद के बारे में सब कुछ भूल कर अपने बारे में क्यों सोचने लग जाते हैं। क्या वो इतने खुदगर्ज हो जाते हैं कि उन्हें अपनी एक औलाद को कुर्बान करके बाकी औलादों का ही फायदा याद रहता है, उस औलाद का दुख याद नहीं रहता जो कुर्बान होने के लिए आ जाए। मैं घर पहुंचा तो जिंदगी बदल चुकी थी, सब कुछ ही बदल चुका था। आसपास का माहौल इस कदर बदल चुका था कि उसमें सांस लेना भी गवारा नहीं था। मेरे बाबा ने कहा कि बेटा तुम पहले अपनी होने वाली पत्नी से मिल लो, उसके बाद तुम हमें दोष ठहराना। बाकी बात सुनकर मुझे शक हुआ। क्या मतलब बाबा, आप क्या चाहते हैं कि मैं अब शादी करने की बजाय अपनी होने वाली पत्नी से मिलना मिलाना उसे समझना शुरू करूं? बाबा मेरी बात सुनकर सर झुका गए और बोले, बेटा मिलना मिलाना बहुत जरूरी है, पहले तो तुम दोनों एक दूसरे को जान लो, फिर शादी भी हो जाएगी। मैंने कहा, बाबा हम 3 साल से एक दूसरे को अच्छी तरह जान चुके हैं, अब तो बस हमारी शादी होनी चाहिए। तब मेरे बाबा ने जो बात मुझे बताई उसने तो मुझे हैरान व परेशान करके रख दिया। बोले कि तुम्हारी होने वाली पत्नी तो तुम्हारी जिंदगी की तस्वीरें देख चुकी है, वो तुमसे शादी करने से इनकार कर रही है, कहती है कि तुम एक मजदूर हो, वो पढ़ी लिखी है, अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुकी है, अब वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर मेरे तो जैसे दिल के अरमान ही खत्म हो गए थे। लगा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी एक नुक्ते पर बर्बाद कर दी। मैंने क्या नहीं सोचा था कि मेरी पत्नी मेरे साथ कैसी रहेगी, और अब सब कुछ कागज के नकाब तले डूब गया था। मैंने अपनी मंगेतर से और कोई बात नहीं की थी, जाहिर है अब वो मेरी मंगेतर रही ही कहाँ थी, उसने तो मुझसे रिश्ता तोड़ने की भी ख्वाहिश कर दी थी। मैंने बिना बहस किए अपनी मंगेतर से नाता तोड़ लिया। मैं खामखा उसे परेशान नहीं करना चाहता था। आज मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, जिंदगी में खुश भी हूँ, पर मुझे दोनों औरतों ने धोखा दिया, एक मेरे मालिक की पत्नी ने, एक मेरी अपनी होने वाली पत्नी ने। किरण ने मेरा इंतजार भी नहीं किया कि मैं वापस आकर कोई अच्छा सा कारोबार सेट कर लूंगा। उसने अपने से भी कई गुना कम दर्जा लड़के से सिर्फ इसलिए शादी की कि वो चंद रुपये कमाता था। सच कहते हैं, औरत की फैसला करने की ताकत बहुत कमजोर होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।